नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राम रहीम सीरीज़ की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, कानून का शिकंजा पार्ट थ्री। उधर चीफ से कांटेक्ट करने के बाद राम रहीम तैयार होकर होटल से बाहर निकले। टैक्सी टैक्सी के रुकते ही राम रहीम पिछली सीट पर पहुंच गए। पुलिस मुख्यालय चलो। बहुत अच्छा साहब। कुछ ही देर बाद उनकी टैक्सी पुलिस मुख्यालय के बाहर खड़ी थी। अर्दली द्वारा कार्ड भीतर भेजते ही पुलिस कमिश्नर मिस्टर जेड ने उन्हें तुरंत भीतर बुलवा लिया, क्योंकि वे पहले से ही उनसे परिचित थे। बैठो बेटे, मुझे तुम दोनों के अकस्मात आगमन पर काफ़ी हैरानी हो रही है। अंकल, हम आपके पास मौत बेचने वाले, मेरा मतलब है जाली नोट छापने वाले और नकली दवाइयाँ बेचने वाले गैंग के सिलसिले में कुछ विशेष बातें करने आए हैं। ओह, अवश्य कहो, क्या कहना चाहते हो? सुनिए, यदि आप मेरी योजना पर अमल करें तो मुझे विश्वास है कि वह गैंग आज रात ही कानून की पकड़ में आ जाएगा। यदि ऐसी बात है तो जल्दी से बताओ कि मुझे क्या करना होगा। यह गैंग तो हमारे लिए काफ़ी समय से सरदर्द बना हुआ है। जनता में अलग आतंक व्याप्त है। तो सुनिए, आज शाम। फिर राम धीमे धीमे पुलिस कमिश्नर को कुछ समझाने लगा, जिसे सुनकर पुलिस कमिश्नर के साथ साथ रहीम की भी आंखें आश्चर्य से फैलती चली गई। पुलिस कमिश्नर से बातचीत करने के पश्चात राम रहीम पुलिस मुख्यालय से बाहर निकले। राम भैया, क्या तुम्हें वास्तव में चीफ पर संदेह है? हाँ, और यदि मेरा यह संदेह ठीक निकला तो समझ लो आज की रात अपराधियों के लिए कल की रात साबित होगी। ओह। उसके बाद राम रहीम एक टैक्सी लेकर वापस होटल पहुंच गए। दोपहर हो चुकी थी, अतः दोनों खा पीकर आराम करने के लिए बिस्तर पर जा लेटे। उफ, इस गैंग के साथ चीफ अंकल का भी संबंध हो सकता है, यह तो सपने में भी सोचा नहीं जा सकता था। राम का सोचना स्वाभाविक भी है, सिवाय चीफ के और को नहीं जानता था कि हम जीवित हैं अथवा नहीं, जबकि अपराधी बार बार हम पर आक्रमण करता रहा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि चीफ से ही अपराधी को सूचना मिलती रही होगी। और शाम के ठीक 5 बजते ही राम रहीम तैयार होकर होटल से बाहर निकले और बाईं ओर चल पड़े। ठीक 50 कदम दूर उन्हें एक काली कार फुटपाथ के साथ खड़ी दिखाई दी। शायद चीफ ने तुम्हें उसी कार के लिए कहा था। हाँ, यदि उसके ड्राइवर के हाथ में सफ़ेद गुलाब हुआ तो। कार के निकट पहुंचने पर वास्तव में उन्हें ड्राइवर के हाथ में सफ़ेद गुलाब का फूल थमा दिखाई दिया। परंतु इससे पहले कि राम रहीम कुछ बोलते, ड्राइवर बोल उठा, यदि आप दोनों ही राम रहीम हैं तो कृपया पीछे बैठ जाइए। ठीक है। और राम रहीम की पिछली सीट पर बैठते ही ड्राइवर ने कार तीव्र गति से एक दिशा में दौड़ा दी। ड्राइवर, तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? मिस्टर मुखर्जी के पास, लेकिन ठिकाना बताने के लिए उन्होंने मना किया है। काफ़ी देर बाद कार एक विशाल इमारत के कंपाउंड में दाखिल हुई। कार के रुकते ही राम रहीम नीचे उतर पड़े। वहाँ पहले से ही एक व्यक्ति खड़ा था। दिलावर, तुम यहीं रुको, मैं इन्हें लेकर चीफ के पास जाता हूँ। ओके जॉनी। वह लंबा चौड़ा व्यक्ति, जिसका नाम जॉनी था, राम रहीम को लेकर इमारत के भीतर की ओर चल पड़ा। तुमने यहाँ आने के बारे में किसी को कुछ बताया तो नहीं? नहीं, क्योंकि चीफ को यह कदापि अच्छा नहीं लगता। और फिर जैसे ही जॉनी उन्हें लेकर इमारत के भीतर प्रविष्ट हुआ, कुछ सशस्त्र व्यक्तियों ने राम रहीम को अपने घेरे में ले लिया। इस हरकत का मतलब? हा हा हा, घबराओ नहीं, ऐसा चीफ के आदेश पर ही किया जा रहा है। चलो, ले चलो इन्हें बॉस के पास, कंबख्तों ने नाक में दम कर रखा था। राम रहीम ने कोई आनाकानी करनी व्यर्थ ही समझी और वे सशस्त्र व्यक्ति उन्हें लेकर इमारत के भीतर ही एक तरफ चल पड़े। तो मेरा संदेह आखिरकार ठीक ही निकला। इस सारे षड्यंत्र के पीछे चीफ का ही हाथ है। आखिर फंस गए अपराधियों के चंगुल में। अब साफ हो गया कि या तो चीफ ही इस खतरनाक दल के मुखिया हैं या फिर अपराधियों के साथ मिले हुए हैं। शीघ्र ही वे सशस्त्र व्यक्ति उन्हें लेकर एक लंबे चौड़े हाल में पहुंचे, जहां उनका रहस्यमय बॉस एक रिवॉल्विंग चेयर पर पीठ घुमाए बैठा था। हा हा हा, वेलकम मिस्टर राम रहीम, सचमुच इस समय तुम्हें सामने देखकर हमें बेहद खुशी हो रही है। गद्दार चीफ, जल्दी ही तेरी सारी खुशियाँ काफिर हो जाएंगी। जबकि राम उस आवाज़ को सुनकर बुरी तरह चौंक उठा। उफ, यह आवाज़ तो। अगले पल वह मुस्कुराता हुआ बोला, मिस्टर ब्लैकमैन,
क्या तुम हमें अपना सलोना चेहरा नहीं दिखाओगे, जिसे देखने के लिए हमें अब तक न जाने कितने पापड़ बेलने पड़े हैं? वह तो तुम लोग मरने के बाद भी नहीं देख पाओगे। हा 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 हा। तब तुम भी सुनो मिस्टर ब्लैकमैन, तुम अपनी मौज का ढिंडोरा पीट कर पुलिस और जनता को धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं, मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। वॉट? फिर राम की बात सुनकर बॉस आश्चर्य से चीखता हुआ कुर्सी समेत जैसे ही उनकी ओर घूमा, उसका चेहरा देखकर रहीम के कंठ से भी आश्चर्य मिश्रित चीख निकल गई। ओह, सेठ रतनलाल, रतन मेडिको का मालिक? हाँ रहीम, हम चीफ अंकल पर नाहक संदेह कर रहे थे, जबकि मौत बेचने वाले गैंग का मुख्य कर्ता धरता यही है। शीघ्र ही रतनलाल ने अपने आप को संभाला। निसंदेह तुम बहुत चालाक हो लड़के, लेकिन अफसोस कि तुम्हें खुश होने के ज़्यादा अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे चीफ की लाश कुछ समय बाद वहाँ पड़ी होगी जहाँ उसने तुम दोनों से मिलना था, और तुम दोनों की लाश यहाँ। मैं समझता हूँ कि तुम यह भी ज़रूर जानना चाहोगे कि आखिर मुझे तुम्हारी और मिस्टर मुखर्जी के बीच होने वाली बातचीत का पता कैसे चल जाता था। ज़रूर जानना चाहेंगे शैतान। तो सुनो, अब तक जिस फ्रिक्वेंसी पर ट्रांसमीटर द्वारा तुम अपने चीफ से बातचीत करते रहे थे अथवा रिपोर्ट देते रहे थे, उसी फ्रिक्वेंसी पर मैं अपने ट्रांसमीटर पर तुम्हारी सारी बातचीत कैच कर लेता था, जिससे मुझे न केवल तुम्हारे जिंदा रहने के बारे में पता चल जाता था, बल्कि तुम्हारे प्रोग्रामों के बारे में भी पता चल जाता था। यही कारण है कि इस समय तुम अपने चीफ मुखर्जी के पास होने के बजाय मेरी कैद में हो। और हाँ, ट्रांसमीटर की तरह मैं तुम्हारे चीफ का फ़ोन भी कैच करता था। हा हा हा। ओह चलो छोकरो, अब भगवान को याद करो, ताकि मरने के बाद तुम्हें सीधे स्वर्ग पहुंचने में कोई कठिनाई ना हो। ठहरो रतनलाल, पेट्रो शूट कर दो इन्हें। क्या तुम हमें मारने से पहले यह नहीं बताओगे कि उस रात जिस रतनलाल की तुम्हारे ही साथी ने तुम्हारी ही कोठी पर हत्या की थी, वह व्यक्ति कौन था? वह मेरा हमशक्ल साथी था, लेकिन चूंकि वह बेईमान हो चुका था और मेरे साथ गद्दारी पर उतर आया था, इसलिए मैंने एक तीर से दो शिकार किए, उसे मरवा भी डाला, और पुलिस के साथ साथ तुम दोनों भी यह धोखा खा बैठे कि अपराधियों ने अपने तक न पहुंचने देने के लिए ही मेरी हत्या की होगी। वास्तव में तुम्हारे दिमाग का जवाब नहीं, यदि इस समय भी मैं तुम्हारी आवाज़ न पहचान लेता तो शायद मैं सपने में भी यह नहीं सोच पाता कि तुम जिंदा हो। अच्छा, बस एक हसरत और पूरी कर दो और यह बताओ कि मौत का धंधा तुम क्यों और किस लिए कर रहे हो? रुपया तो तुम दूसरे तरीके से भी पैदा कर सकते हो। ठीक है, मरने से पहले तुम्हारी कोई हसरत बाकी न रह जाए, इसलिए बताई देता हूँ। सुनो, इस काम के लिए मुझे एक देश मुँह मांगी दौलत दे रहा है, और वह इस तरीके से मेरे द्वारा तुम्हारे देश में अशांति फैलाना चाहता है, ताकि तुम्हारा देश कभी तरक्की ना कर सके। यानी कि तुम उस देश के एजेंट हो? बिल्कुल, उस देश की दौलत पर मैं शान से ज़िंदगी जी रहा हूँ, वरना तुम्हारे इस भूखे देश में तो मैं अब तक किसी नाली के कीड़े की तरह तड़प तड़प कर दम तोड़ चुका होता। रतनलाल की बात सुनकर रहीम एकाएक क्रोध से पागल हो उठा। नीच कुत्ते गद्दार, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरे देश के लिए ऐसे लफ्ज कहता है? उफ। लेकिन रहीम का घूसा खाकर रतनलाल फर्श पर गिरने के साथ ही चीख उठा, खत्म कर दो पहले इसी सांप की औलाद को। ओह नहीं रहीम, बचो। परंतु इससे पहले कि बदमाश रहीम का निशाना ले पाते, दरवाजे से गोलियों की जबरदस्त बौछारें आई। धाएं धाएं, उफ आह, और वे सभी चीखते हुए फर्श पर उलटते चले गए। राम रहीम ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा तो द्वार पर सिपाहियों के साथ चीफ मुखर्जी और कमिश्नर जेट को देखकर उनके चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। चीफ अंकल, अरे बाप रे, पुलिस यहाँ तक कैसे आ पहुँची? सिपाहियों, पकड़ लो इन सब शैतानों को। लेकिन तभी रतनलाल ने गजब की फुर्ती के साथ जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया और हरामजादो, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, मुकाबला करो। उफ। पुलिस और बदमाशों ने तुरंत इधर उधर छिपकर मोर्चा लिया और एक दूसरे पर भयानक गोलीबारी करने लगे। रहीम, तुम रेंगते हुए रतनलाल की ओर पढ़ो, मुझे लगता है वह भागने की फिराक में है। ठीक है। जब रतनलाल ने राम रहीम को रेंगते हुए अपनी ओर बढ़ते देखा तो उसने फुर्ती के साथ जेब से एक अंडाकार गोला निकालकर उन पर फेंक मारा। रहीम,
बचो! राम रहीम के इधर उधर हटते ही गोला फर्श से आकर टकराया और फट गया। उसके फटते ही उसमें से सफेद रंग का गाढ़ा धुआं निकलकर तेजी से कमरे में फैलने लगा। फटाक! ओह, जहरीली गैस! पलक झपकते ही पूरा हॉल उस जहरीले धुएं से भर गया और सभी बुरी तरह खांसने लगे। उफ, रहीम, जल्दी बाहर निकलो! खो खो खो, मौका अच्छा है, भाग निकलूं। जब राम ने रतन लाल को वहां से भागते देखा, रहीम, रतन लाल भागने की कोशिश कर रहा है, तुम मेरे पीछे आओ। ठीक है। किसी तरह अपने आप को संभालते हुए दोनों तुरंत रतन लाल के पीछे दौड़ पड़े। उस हॉल से बाहर निकलते ही राम रहीम की हालत में कुछ सुधार हुआ। अब तुम बचकर नहीं जा सकते रतनलाल, तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो। उत्तर में रतनलाल ने पलटकर उस पर फायरिंग कर डाली। उफ, वह ऐसे नहीं मानने वाला। पहले से ही सतर्क होने के कारण राम रहीम अपने आप को बचा गए। राम रहीम को बचते देख रतनलाल ऊपर जाने वाली सीढ़ियां फलांगने लगा। यह देख राम ने भी उस पर बेतहाशा फायरिंग करनी आरंभ कर दी। मैं कहता हूँ रुक जाओ रतनलाल, वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। लेकिन रतनलाल बिना रुके ही ऊपर चढ़ता चला गया। चूंकि सीढ़ियां घुमावदार थी, इसलिए उसे कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था। मैं कहता हूँ तुम मेरे पीछे मत आओ, वरना तुम्हारा भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। और शीघ्र ही रतनलाल फायरिंग करने के साथ साथ सीढ़ियां फलांगता हुआ इमारत की ऊंची छत पर जा पहुंचा, जहां एक हेलीकॉप्टर खड़ा था। बस एक बार हेलीकॉप्टर के भीतर पहुंच जाओ, फिर कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अगले ही पल रतनलाल न केवल सकुशल हेलीकॉप्टर के भीतर पहुंचने में सफल हो गया, बल्कि पायलट सीट पर पहुंचते ही उसने इंजन भी स्टार्ट कर दिया। हा हा हा, अब कोई मुझे छू भी नहीं पाएगा। जब राम रहीम छत पर पहुंचे, भैया वह भाग रहा है, जल्दी गोली चलाओ। राम ने तुरंत हेलीकॉप्टर पर निशाना साधा, लेकिन उफ, इस कमबख्त रिवॉल्वर को भी इसी समय धोखा देना था। झुंझलाकर राम ने खाली रिवॉल्वर ही हेलीकॉप्टर पर खींच मारा, परंतु हेलीकॉप्टर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता? वह तो हाथ से निकला जा रहा है भैया, अब क्या करें? तभी चीफ मुखर्जी और पुलिस कमिश्नर भी कुछ सिपाहियों के साथ वहां आ पहुंचे। ओह, वह शैतान तो निकल भागा, अब तो वह गोलियों की रेंज से भी बाहर हो चुका है। उफ, सारे किए किराए पर पानी फिर गया। तभी राम को अपने जूते के तले में रखे अपने उस विशेष ऑटोमेटिक रिवॉल्वर का ध्यान आया, जिसकी किरणें काफी दूर तक मार कर सकती थी। अगले ही पल उसने गजब की फुर्ती के साथ उसे जूते के तलवे से निकाल लिया। अब वह गद्दार इतनी आसानी से बचकर नहीं जा पाएगा, मैं उसकी चिता उसके ही हेलीकॉप्टर में बनाऊंगा। ओह, वेरी गुड! अगले ही पल उसने एटमिक रिवॉल्वर में ट्रिगर के स्थान पर लगे एक बटन को पागलों के समान दबाना आरंभ कर दिया। रिवॉल्वर से विनाशक किरणें निकलकर हेलीकॉप्टर की ओर लपकी और पलक झपकते ही हेलीकॉप्टर के साथ साथ अपराधी रतनलाल के भी प्रकच्चे उड़ गए। धड़ाम! वो मारा! कानून के शिकंजे से तो भाग निकला था कमबख्त, लेकिन मौत के शिकंजे से नहीं बच पाया। हुर्रे! जब हेलीकॉप्टर और रतनलाल के टुकड़े हवा में विलीन हो गए, वह नराधम तो गया अपने धाम। मेरे विचार से हमें इस इमारत की तराशी का काम भी पूरा कर लेना चाहिए। ठीक कहते हो बेटा, आइए कमिश्नर साहब, यह काम भी शीघ्र से शीघ्र निपटा लें। अवश्य, चलिए। तलाशी के दौरान शीघ्र ही एक अंडरग्राउंड तहखाने में नोट छापने की बड़ी बड़ी मशीनें, ब्लॉक्स व सादे कागजों के साथ साथ छपी हुई लाखों की करेंसी भी उन्हें प्राप्त हो गई। ओ माय गॉड, मैं तो इतने बड़े प्रेस के यहाँ होने की सपने में भी उम्मीद नहीं कर सकता था। फिर कुछ तहखानों में नकली दवाइयों और इंजेक्शनों की हजारों पेटियों के साथ साथ दवाई तैयार करने की मशीनें आदि भी उन्हें प्राप्त हो गई। सिपाहियों, इस सारे सामान को अपने कब्जे में ले लो। यस सर। रतनलाल के सारे आदमी पहले ही पकड़े जा चुके थे। इस तरह से राम रहीम की होशियारी से रतनलाल के गैंग के साथ साथ नकली दवा बेचने वालों का भी देश भर से सफाया कर दिया गया। अगले दिन के तमाम समाचार पत्र एक बार फिर राम रहीम की प्रशंसा से रंगे पड़े थे। मौत बेचने वालों के गलों पर कानून का शिकंजा, मौत का निर्माता खुद मौत को प्राप्त हुआ। आज की ताजा खबर, नकली दवा बनाने वाला सेठ रतनलाल राम रहीम का शिकार बना। जबकि अगले दिन राम रहीम राजधानी लौटकर इस केस की सफलता के उपलक्ष्य पर
चीफ मुखर्जी द्वारा दी गई शानदार दावत का आनंद ले रहे थे। चीफ अंकल, एक बार तो मैं इस बात से आप पर संदेह कर बैठा था कि कहीं अपराधियों को हर बार हमारी गतिविधियों का पता आपके द्वारा तो नहीं चलता। हाँ चीफ अंकल, इस बात के लिए मैं भी शर्मिंदा हूँ। इसमें तुम लोगों का कोई दोष नहीं मेरे बच्चों। यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता तो इन स्थितियों में मैं भी ऐसा ही सोचता। लेकिन चीफ अंकल, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि कमिश्नर साहब के साथ साथ आप भी अपराधियों के मुख्य अड्डे तक कैसे पहुंच गए। यह भी एक संयोग था। जिस ड्राइवर को मैंने कार लेकर तुम्हें लेने तुम्हारे होटल भेजा था, जब उसने मुझे यह सूचना दी कि गाड़ी मार्ग में खराब हो गई है, तो मैं तुरंत तुमसे मिलने चल पड़ा। परंतु जब मैं तुम्हारे होटल के पास पहुंचा, तो तुम्हें एक दूसरी कार में सवार होते देख मैं चौंक पड़ा। ओह, जरूर वे किसी खतरे में फंसने जा रहे हैं। परंतु इससे पहले कि मैं तुम्हें खतरे से सावधान कर पाता, तभी कमिश्नर जेड ने मुझे आ घेरा। खबरदार, भागने की कोशिश बेकार है। सिपाहियों, डाल दो इसके हाथों में हथकड़ियां। ठहरिए, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमें मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। तुम उन दोनों लड़कों का पीछा कर रहे थे। यह गलत है। वे दोनों मेरे ही विभाग के एजेंट राम रहीम हैं और मैं उनका चीफ एस मुखर्जी हूँ। विश्वास ना हो तो यह देखिए मेरा परिचय कार्ड। और जब कमिश्नर जेड ने मेरा परिचय जाना, तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। सॉरी मिस्टर मुखर्जी, मैं समझ रहा था कि आप अपराधियों से मिले हुए हैं और उनका अपहरण करने के चक्कर में हैं। अब बातों में समय मत गवाइए, तुरंत उनका पीछा कीजिए, वरना वे खतरे में पड़ जाएंगे। ओह हाँ, आइए हमारी जीप में। और हम पुलिस जीप में तुम्हारा पीछा करने लगे। मार्ग में कमिश्नर साहब ने मुझे तुम्हारे प्रोग्राम के बारे में बता दिया था, अतः मुझे समझते देर नहीं लगी थी कि वे बदमाश तुम्हें अपने अड्डे पर ही ले जा रहे हैं। हमारे पीछे पीछे पुलिस के जवानों से भरे कई ट्रक भी थे। उनके अड्डे पर पहुंचकर हमने सर्वप्रथम पहरे पर तैनात बदमाशों को पकड़ा, फिर भीतर प्रविष्ट हो गए। उसके बाद की तो सारी कहानी तुम दोनों जानते ही हो। ओह निसंदेह चीफ, यह भी अपने आप में एक किस्म का भयानक केस था। शुक्र है कि हमें इस केस में जल्दी ही कामयाबी मिल गई, वरना वह देशद्रोही पता नहीं और कितने बेगुनाहों की जाने लेता। तो यह थी राम रहीम सीरीज की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।